50 वर्ष पर भी धरा पड़ी हाइजैकर मिली पारिनी गोटिए भी सुराग हठात मझी आकाशरु होइगला उभान १९७१ मसीहार नवेम्बर २४ पोर्टलैंड सहररु आरंभ हेला एक रहस्यमय व्यक्तिर कहानी जिकि से समय रे सारा विश्वरे चहल सृष्टि कर दीथला। जणे व्यक्ति देखिबाकु ठीक ठाक जणे साधारण व्यक्ति भळि लागुथला जिकि पोर्टलैंड रु सियाटेल कु टिकेट बुक करी सीधा पोर्टलैंड विमानबंदररु विमानरे बसिला। सेतेबेळे विमानकु जिबा आगरु कोनोसी यात्री कि तार जिनिषपत्रकु जांच करा जाउ नथिला। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस रो जहाज बोइंग 727 जहाकु मात्र 45 मिनिट रे पोर्टलैंड रु सियाटेल पहुंचिबाकु लागे आउ सेही विमानरे डीबी कूपर बा डैन कूपर नामक जणे व्यक्ति कळा चश्मा लगाई निज स्थानरे जाई बसिकला। आ सबुथर भळि सेदिन भी साधारण दिन लागुथिला। ठीक 2:58 रे विमानटी टेक अफ कला। टेक अफ हबार किछि समय परे डैन कूपर विमानर फ्लोरेन्स सफनर नामक एयर होस्ट्रेस को एक चिठी धरैला जहाकु एयर होस्ट्रेस हसी हसी ग्रहण भी कला। हेले चिठीटी पढ़िला परे तार मुंड आउ काम करिनथिला। मिस आई हाव ए बम हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सीट बाय मी। मो पाखरे बम अछि आ मु चाहूछि आपण आसी मो पाखरे बसंतु। जेतेबेले एयर होस्ट्रेस पाखरे आसी बसे सेतेबेले कूपर निज पाखरे थिबा ब्रीफकेस खोली देखाए जेउथिरे डायनामाइट ओ डेटोनेटर थाए जहाँ देखिला परे एयर होस्ट्रेस भयरे थरिबाकु लागे ओ जहाँ जणा पड़िला विमानटी हाइजैक होइ जाइछि। ओ डैन कूपरर तीनोटी शर्त भी थिला जहाँ हेउछि $2,00,000 क्याश 2 पारासुट ओ सियाटेल विमानबंदर रे रिफ्युएलिंग पई गोटे फ्युएल ट्रक भी रेडी थिबा दरकार आउ एथिरे किछि हेला हेले बम विस्फोरण करिवार धमक भी देइथिला एयर होस्ट्रेस को। कूपर छड़ा जहाजरे आउ 35 जन यात्री थिले सेमानकु एक घटना विषय रे टिके भी किछि जणा पड़ि नथिला। फ्लोरेन्स सफनर कूपर रो चिठी ओ शर्त विषय रे विमानर कैप्टेन को कहिले। कैप्टेन इंटरकम माध्यम रे डैन कूपर सह जोगाजोग कले। एहा परे एफबीआई को ए विषय रे जणाई दियागला। लोकल अथॉरिटी ओ एफबीआई निष्पत्ति नेले जे हाइजैकर रो समस्त शर्त पूरा करा जिवो जेउठी मात्र 45 मिनिट रे जहाज सियाटेल रे पहुंचिबार थिला से 1.5 घंटा पर्यंत विमान बंदर रो चारिपाखरे घूरी बुलिला ओ यात्री मानकु यांत्रिक त्रुटि कारण रु एपरि करा जाउथिबा कुहा गला। यहाँ परे सियाटेल नेशनल बैंक रु $20 रो 10,000 टी नोट संग्रह करा जाय यहार सीरियल नंबर को लेखिकी रखा गला। 2 पारासुट मध्य संग्रह करा गला। संध्या 5:45 रे सियाटेल विमान बंदर रे विमानटी जेतेबेले अवतरण कला सेतेबेले शर्त अनुसार कूपर को नोट भर्ती सुटकेस और 2 पारासुट दिया गला एवं विमान को रिफिलिंग भी करा गला। समस्त 35 जन यात्री और 2 जन क्रू मेंबर विमानरु ओल्हाई पड़िले। विमानरु ओल्हाइला बेले भी यात्री माने जानि नथिले जे विमानटी हाइजैक होईछि किंतु विमानर पायलट और आउ 2 जन क्रू मेंबर को छाड़ी नथिला कूपर। आउ जने एयर होस्ट्रेस टीना मक्लोउ द्वारा कूपर पायलट को कहला जे जहाज को 300 किलोमीटर दूर रे थिबा मेक्सिको सहर नेबाकु हेले एते दूर जिबा को फ्यूल कम पड़िबारु रेनो सहर की फिनिक्स रे रिफ्युलिंग करिवा को पड़िबो बोली कूपर को जणाइले पायलट। तेणु रेनो रे रिफ्युलिंग रो निर्देश देला कूपर। एहा सहित सरकार भी पूरापूरी भावे विमान ट्रैक करथांती ओ पछरे 2 फाइटर जेट मध्य पठाइथांती। राति होइ जायथाय ओ विमानटी रेनो आड़ को जाउथाय। एतिक बेले कूपर टीना मक्लो को कॉकपिट को पठाई दिए। समस्त क्रू मेंबर कॉकपिट रे थिबा बेले कूपर जहाजर सीढ़ी खोली पारासूट लगाई विमानरु डेंग पड़े। 3 घंटा परे जहाज जेतेबेले रेनो रे लैंड हेला सेतेबेले पूरा जहाज को तन तन करी जांच करा गला। हेले डैन कूपर को धरा पकाइला भले कोनोसी सुराग भी मिलि नथिला एपरि कि डैन कूपर रो गोटे फोटो भी कहा पाखरे नथिला। सेदिन डैन कूपर देइथिबा आखपाख स्थान पाखापाखी 45 स्क्वायर किलोमीटर पर्यंत छानबीन करा गला। हेले तार कोनोसी पत्ता मिलिला नाही कि से नेइथिबा टंकार भी कोनोसी सुराग मिलिला नाही। समस्त भाबिले डैन कूपर मरि जाइछि। एफबीआई डैन कूपर स्केच और $2,00,000 सीरियल नंबर जारी करी पुरस्कार भी घोषणा कला। सरकार को धारणा थिला जे कूपर जदि बंची थाए तबे निश्चय से नोट खर्च करिवो और जहार सीरियल नंबर साहाज्य रे ताकु धरियबो किंतु एमिति किछि भी हेला नाही। देखु देखु 9 वर्ष बीती गला।
1980 ମସିହାରେ ୱାଶିଂଟନରେ ଟିନାବାର ନାମକ ନଦୀକୂଳରେ ପିଲାଟିଏ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବାଲି ତଳୁ ତାକୁ ତିନି ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ମିଳେ, ଆଉ ସେହି ନୋଟ୍କୁ ତାର ବାପା ମା' ଏଫ୍ବିଆଇକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ିକ ଡାନ୍ କୁପର ନେଇଥିବା ନୋଟ୍। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପୁଣି ଏଫ୍ବିଆଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତେବେ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ଲେନ୍ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ ହେବାର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠି ପୋତାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଏଫ୍ବିଆଇର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଡାନ୍ କୁପର ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ନେଇ ସେବେଠାରୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ହିଁ ରହସ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଡାନ୍ କୁପର ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ତେବେ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାନ୍ କୁପରର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଡାନ୍ କୁପର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହା ଏଫ୍ବିଆଇର ଏମିତି ଏକ କେସ୍ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।